बड़े मियाँ की दरगाह सनी जात पर बच्चे होने की मुराद लेकर श्रद्धालु आते हैं, जहां इन श्रद्धालुओं से और भक्तों से गिरोह ने जेवरात की ठगी की थी। FIR में गिरोह के लोगों के पास 50 करोड़ रुपए की संपत्ति, अलीगढ़ और जलेसर में दरगाह और सनी जात की कमाई से संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे हैं। प्रतिवर्ष 4.5 से 5.5 करोड़ का चढ़ावा इस दरगाह में आता है। प्रशासन ने सनी जात बड़े मियाँ की दरगाह को अपने कब्जे में ले लिया है। प्रशासन की देखरेख में श्रद्धालुओं ने एक दिन में 85,000 रुपये का दान किया। 22 साल से सनी जात बड़े मियाँ की दरगाह पर आ रहे चंदे का गबन किया जाता रहा। श्रद्धालुओं से ठगी के आरोप में कमेटी के 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अध्यक्ष सहित 9 लोग फरार हो गए हैं। जलेसर में सनी जात बड़े मियाँ की दरगाह को प्रशासन ने ठगों से मुक्त कराकर अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं सनी जात बड़े मियाँ की दरगाह पर लाल रंग का झंडा लहरा रहा है। सनी जात बड़े मियाँ की दरगाह ठगी से मुक्त होने पर भी लोगों ने राहत की सांस ली है। एटा के जलेसर थाना क्षेत्र के बड़े मियाँ दरगाह सनी जात का यह मामला है। विधायक जी, सोशल मीडिया पर एक काफ़ी चर्चा चल रही है और यह खबर वायरल हो रही है कि जलेसर विधायक के द्वारा बड़े मियाँ की जो बाजार थी यहाँ पर दरगाह लगता था, जो प्रशासक नियुक्त हुआ है, क्या कह रहा है इस संबंध में? ऐसा है, इसमें जो जलेसर देहात के जो प्रधान थे, उन्होंने मुझसे जो पिछली बार माननीय हमारे यहाँ से जो माननीय विधायक थे कुंवर सिंगरिया जी द्वारा प्रयास किया गया था, और उस प्रयास को मैं आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि यहाँ काफ़ी वर्षों पुराना शनिदेव का मंदिर हुआ करता था, और उसी पहल को लेके आगे बढ़ के हमने सारे कार्य लेके, और ऊपर से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये उनसे मिले, क्योंकि हमारा वर्षों पुराना यहाँ काफ़ी यहाँ शनिदेव का मंदिर हुआ है, और हिंदू धर्म में शनिवार को ही शनिदेव को पूजा की जाती है। तो ये जब हमको सारे एविडेंस मिले तो हम उसमें आगे बढ़े, और आज वही परिणाम है कि जो पिछली हमने जो मेहनत करी उसका परिणाम आज हम उसमें सफलता मिली है, और आज प्रशासन नियुक्ति का जो DM साहब ने आदेश किया है, हम उसका स्वागत करें। साथ ही विधायक जी, इसमें एक मुद्दा निकल के आ रहा है कि 99 करोड़ रुपए का इसमें गोलमाल हुआ है, इसमें क्या जानकारी है? ऐसा ना, जब हमने लिख के दिया तो प्रशासन ने उसमें जांच कराई, और जांच में उन्होंने 2000 से लेके और 2018 जो कार्यकाल था 18 वर्षों के कार्यकाल में जो वहाँ से जो पैसा की इनकम हुई वो 99 करोड़ के आसपास हुई, ये सरकार ने शासन ने जो उसकी जाँच हुई है।